Hello, welcome learners, welcome once again. Today I am here with a new topic, nature versus nurture debate in the development of child. Okay, so I have to explain it in Hindi because many of our students are Hindi medium and this matter is not available in Hindi, mostly in most books. Okay. So नेचर वर्सेज नर्चर मीन्स प्रकृति और पोषण का विवाद चल रहा है. ठीक, तो कौन इस विवाद का हिस्सेदार है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स मीन्स नेचर एंड एनवायरमेंट मीन्स नर्चर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी मनोविज्ञान की वो शाखा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि छात्र का बच्चे का विकास कैसे होता है, वो ये जानना चाहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो मनुष्य का विकास हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है, उसमें नेचर मतलब जो प्रकृति है हमारी, जो हमको हमारे जीन से हमारे माता पिता से मिला है, उसका इन्फ्लुएंस है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे, या एनवायरमेंट या जो नर्चर जो हमको पोषण मिलता है, जो हमको हमारा इकोलॉजी है, हमारा जो आसपास का वातावरण है उसका, मतलब कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस जानना चाहती है कौन? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. तो हमारे इस टॉपिक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इवेलुएट द रेसिप्रोकल इम्पैक्ट बिटवीन जीन्स एंड द एनवायरमेंट एंड द नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट. मतलब जो रेसिप्रोकल इम्पैक्ट है, एक दूसरे पर पड़ रहा है इम्पैक्ट प्रभाव, किसका? एनवायरमेंट का और जीन्स का. ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज है ये, इसके की पॉइंट्स क्या हैं. ए सिग्निफिकेंट इश्यू इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हैज बीन द रिलेशनशिप बिटवीन द इननेटनेस ऑफ एन एट्रीब्यूट, whether it is part of our nature and the environmental effects on that attribute, whether it is derived from or influenced by our environment or nurture. मतलब जो sorry, developmental psychology में जो एक बहुत महत्वपूर्ण issue है वो ये है कि relationship between the innateness of an attribute, जो गुण है उसका innate, मतलब उसकी origin, innateness का मतलब कि उसका संबंध क्या है, किसके साथ, whether it is part of our nature, जो गुण है हमारा वो क्या हमारे नेचर का पार्ट है या environmental इफेक्ट उस एट्रीब्यूट पे अपना प्रभाव डालते हैं, या वो गुण हमने वातावरण से पाया. सीधी सी बात है कि वो गुण, जो भी गुण हम रखते हैं, जो एट्रीब्यूट हमारे पास है, वो हमें अपने माता पिता से मिला है या हमको वो वातावरण से मिला है. ठीक है, तो टुडे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट रेयरली टेक पोलराइज्ड पोजीशंस. पोलराइज्ड पोजीशंस का मतलब ध्रुव. एक ध्रुव अगर प्रकृति है और एक ध्रुव पोषण है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ध्रुव पर नहीं है कि नहीं नहीं सारा कुछ प्रकृति से मिला है, हम इस ध्रुव पर चले आए या सब कुछ पोषण से हो रहा है, नहीं. With regard to most aspects of development, instead they investigate the relationship between innate and environmental influences. वो ऐसा नहीं करते कि एक ध्रुव पकड़ कर बैठ जाते हैं, बल्कि वो ये करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, investigate करना चाहते हैं relationship, सह संबंध किसके किसके बीच में, जो इनेट गुण है हमारा, जिसको लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, जो हमको हमारे माता पिता से मिला है, जो हमारे जीनोटाइप में है, जो जीन्स में है हमारे, और जो environmental influences है, यानी कि वातावरण का जो प्रभाव उस पर पड़ रहा है. The biopsychosocial, देखो कितने तीन terms इसमें, bio यानी biology हमारी, psyche यानी हमारा मन, और social जो हमको बाहर से मिल रहा है. तो biopsychosocial model states that biological, psychological and social factors all play a significant role in human development. यानी कि ये मॉडल कहता है कि हमारा जैविक, हमारा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये तीनों ही कारक सभी जो है हमारे, यानी कि मनुष्य के विकास में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. फिर एनवायरमेंटल इनपुट्स कैन इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. जो जीन्स हैं, आप लोग जब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि जो जीन्स हैं हमारे, वो सारे हमारे जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होते, मतलब सारे जो है वो स्ट्रांगली आके बाहर एक्सप्रेस नहीं होते, बल्कि कुछ सबमिसिव होते हैं, कुछ दबे रह जाते हैं जो अगली जनरेशन में आते हैं, है ना. तो इन्वायरमेंटल इनपुट्स क्या कर सकता है, जो हमारा वातावरण का इनपुट है वो इफेक्ट कर सकता है किसको? एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को. अ रिलेशनशिप बिटवीन जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, यानी कि जीन्स जो हमारे पास है और एनवायरमेंट जो हमें मिल रहा है, जो उसका इंटरेक्शन यानी कि सह संबंध है, उसके रिलेशनशिप को
इफेक्ट करता है एंड इंडिविजुअल्स जीन्स एंड देयर एनवायरमेंट वर्क टुगेदर. यानी कि ये नहीं है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है या ये भी नहीं है कि पोषण सब कुछ कर रहा है, बल्कि एक व्यक्ति का जो जीन है, जो उसका हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है और उसका वातावरण दोनों मिलकर कार्य करते हैं कम्युनिकेटिंग बैक एंड फोर्थ टू क्रिएट ट्रेट्स. लगातार काम करते रहते हैं, मतलब जीन्स का एनवायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट का जीन से इंटरेक्शन होता है, तब जाके वो गुण क्रिएट होता है जिसको हम कैरी करते हैं अपने साथ. ठीक है. दी डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल सर्व्स टू एक्सप्लोर हाउ बायोलॉजिकल और जेनेटिक ट्रेट्स इंटरैक्ट विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टू प्रोड्यूस डिसऑर्डर्स such as depression and anxiety and schizophrenia. क्योंकि nature nurture balance या nature nurture debate हमारा छोटा सा topic है हमारे course का, इसलिए हम diathesis stress model अगर detail में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसा model है जो ये बताता है कि किस तरीके से जो जैविक या आनुवंशिक गुण हैं वो interact करते हैं वातावरण के प्रभावों के साथ और disorders क्रिएट करते हैं, डिसऑर्डर्स उत्पन्न करते हैं. कौन कौन से डिसऑर्डर्स? सच एज डिप्रेशन, एनजाइटी एंड शाइजोफ्रेनिया. ओके ओके, वन मिनट. ओके, टर्म्स क्या है? टर्म्स देखो, हमको कौन से टर्म्स पता होने चाहिए. जैसे जीनोटाइप, जीनोटाइप किसको कहते हैं, हेरिटेबिलिटी किसको कहते हैं, जीन किसको कहते हैं. तो जीनोटाइप किसको कहते हैं? दैट पार्ट या डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए सेल एंड देयरफॉर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल विच डिटरमाइंस अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या फीनोटाइप ऑफ दैट सेल और ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल. देखिए थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी आ रही है, बिकॉज हमको जेनेटिक ट्रेट और हेरिडिटी के बारे में जानना हो रहा है. तो जीनोटाइप का क्या मतलब होता है? जो जीन्स हमारे अंदर हैं. और फीनोटाइप का क्या मतलब होता है? जो गुण हम बाहर दिखाते हैं. तो जीनोटाइप मतलब डीएनए. अब देखिए डीएनए आरएनए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी बेसिक इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए सीक्वेंस, यानी कहते हैं ना डीएनए, मतलब सबका डीएनए एकदम यूनिक है, हम वो हैं जो हमारा डीएनए है. तो डीएनए सीक्वेंस यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ ए सेल एंड देयरफॉर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल विच डिटरमाइंस अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या फीनोटाइप ऑफ दैट सेल ऑर्गेनिज्म एंड इंडिविजुअल. ओके, सो जीनोटाइप के बारे में हमको पता होना चाहिए. दैट पार्ट यानी कि जो हमारा एकदम यूनिक है, जो हमारे सेल का जेनेटिक मेकअप है. और फीनोटाइप का मतलब कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं. ठीक. फिर हेरिटेबिलिटी क्या है? द रेशियो ऑफ द जेनेटिक वेरिएंस ऑफ ए पॉपुलेशन टू इट्स फीनोटिपिक वेरिएंस, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी दैट इज जेनेटिक इन ऑरिजिन. ये थोड़ी सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने ये शब्द, ये शब्दावली पहले नहीं जानते हैं. हेरिटेबिलिटी यानी कि आनुवंश, कौन सी चीजें जो हेरिटेज में मिलेंगी. रेशियो अनुपात है किसका? जेनेटिक वेरिएंस यानी कि जो हम जीन्स पे लेके आए हैं, ऑफ ए पॉपुलेशन टू इट्स फीनोटिपिक वेरिएंस. तो इसको आप ऐसे ही जान लीजिए क्योंकि आपके लिए नए टर्म्स हो जा रहे हैं. जीन, जीन क्या है? ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है वो जीन है. ये क्या? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए. ये डीएनए का और आरएनए का डीएनए या आरएनए का सेगमेंट है जो कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सच एज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर ए प्रोटीन. इतना मत जानिए आप अमीनो एसिड प्रोटीन मत जानिए, पर ये जानिए कि ये आनुवंशिकता की इकाई है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाती है ना. फिर ट्रेट, ट्रेट क्या है? एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि किसी का ट्रेट वो है जिससे वो पहचाना जाता है, उसका ऐसा गुण जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. जैसे कि कोई लेट है, लेट हमेशा मतलब पंक्चुअल नहीं है, तो वो उसका ट्रेट हो सकता है. कोई बिल्कुल हमेशा पंक्चुअल है तो वो उसका ट्रेट हो सकता है ना कोई. तो यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन वो आइडेंटिफाइंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज लेट है और कल लेट नहीं है तो वो हमारा ट्रेट नहीं बनेगा. अगर हमारे आदत में शुमार है, हम हमेशा लेट रहते हैं, हर इवेंट में लेट रहते हैं, तो लेट होना हमारा ट्रेट हो जाएगा. और इननेट का मतलब जो इनबॉर्न है, जिसको लेकर हम पैदा हुए, जो नेटिव है, जो नेचुरल है हमारा, वो सब क्या है? इननेट है. ओके. फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या चीज है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस that occur in human beings over the course of their lives.
यानी कि वो ये उस तरीके एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है जो ये बताती है चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य में जो समय के साथ बदलाव हो रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। दिस फील्ड एग्जामिन्स चेंज एंड डेवलपमेंट अक्रॉस ए ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज मोटर स्किल्स एंड अदर साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि कैसे हमारे संज्ञान का विकास हो रहा है ओवर द टाइम, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉरल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारा मानस नैतिक और कंसेप्चुअल का मतलब कंसेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग का क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा का को कैसे ग्रहण करते हैं, सोशल पर्सनैलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है ना, कि हमारा सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, पर्सनैलिटी कैसे विकसित हो रही है, सांवेगिक विकास कैसे हो रहा है, एंड सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सेल्फ कंसेप्ट और आइडेंटिटी फॉर्मेशन एडोलेसेंट एज में जाकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति आती है। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स द एक्सटेंट टू विच डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज और स्टेज लाइक डेवलपमेंट as well as the extent to which children are born with innate mental structures as opposed to learning through experience। मतलब ये कह रहे हैं कि developmental psychology जो है वो ये explore करती है कि किस सीमा तक ये जो हमारा development है वो result है gradual accumulation का, मतलब धीरे धीरे हम accumulate करते हैं knowledge, और stage like development है मतलब हम पढ़ते हैं ना कि पहले इन्फेंट स्टेज है, फिर चाइल्ड स्टेज है, फिर एडोलेसेंट स्टेज है, एडोलेसेंट में भी अर्ली एडोलेसेंट है, मिडिल एडोलेसेंट है, लेट एडोलेसेंट है, फिर अर्ली एडल्टहुड है, लेट एडल्टहुड, तो ये सारा क्या है स्टेज वाइज। एज वेल एज द एक्सटेंट टू विच चिल्ड्रन आर बॉर्न विद इननेट मेंटल स्ट्रक्चर्स, ये कह रहे हैं कौन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को मानने वाले कह रहे हैं कि हमारे पास इननेट मेंटल स्ट्रक्चर है यानी कि हम लेकर पैदा हुए उसको, अपोज टू लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को मानने वाले लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस को का अपोज करते हैं, मतलब ये इस बात का विरोध करते हैं कि जो सीखना है वो अनुभवों के थ्रू हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं मेंटल स्ट्रक्चर तो हमारे पास पहले से था, वो इननेट है। ठीक, इतनी बात तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। फिर नेचर वर्सेस नर्चर कह क्या रहा है, ए सिग्निफिकेंट इश्यू इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इननेटनेस ऑफ एन एट्रीब्यूट एंड द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन दैट एट्रीब्यूट। सीधी सी बात सिर्फ इतनी है, ये कह रहे हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट है हमारा, तो सबसे मुख्य मुद्दा ये है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कि वो जो एट्रीब्यूट है वो इननेट है या एनवायरनमेंट से मिला है, यानी कि उसको लेकर हम पैदा हुए उस गुण को, या वो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस से हमको मिला है। दिस इज ऑफन रिफर टू एज द नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट, इसको अक्सर प्रकृति और पोषण का विवाद कहा जाता है। तो अब इसको नेटिविज्म और एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं, पर आप इसको नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से ही जानिए। सॉरी। फिर कह रहे हैं कि ए नेटिविस्ट यानी कि नेचर अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट वुड आर्ग्यू दैट द प्रोसेसेस इन क्वेश्चन आर इननेट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म्स जीन्स। मतलब ये लोग प्रकृति को मानने वाले लोग कहते हैं कि जो हमारे पास है वो सब कुछ इननेट है और ऑर्गेनिज्म के जीन से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब हमारे जीन से इन्फ्लुएंस होता है इसलिए हम ऐसा बिहेव करते हैं। नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर इज सीन एज द रिजल्ट ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जेनेटिक कोड। मतलब नेचर को अगर हम मानकर चलेंगे तो फिर हमारा इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है उसमें, एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है, हम जो भी रिएक्ट कर रहे हैं वो इननेट है हमारे साथ, यानी कि वो अंतर्निहित है, हम उसको लेकर इस दुनिया में आए हैं। जबकि एन एम्पिरिसिस्ट या नर्चर पर्सपेक्टिव क्या कहता है, वुड आर्ग्यू दैट दीज प्रोसेसेस आर एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं संक्रियाएं चल रही हैं वो वातावरण से सहसंबंध के बाद हमने ग्रहण की हैं। तो नर्चर्ड ह्यूमन बिहेवियर इज सीन एज द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, यानी कि जो हमारा पोषित अगर हम माने अपने व्यवहार को, मनुष्य के व्यवहार को, तो वो किसका परिणाम होगा, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का, यानी कि वातावरण से जो सहसंबंध स्थापित है हमारा उसका परिणाम होगा। विच कैन प्रोवोक चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, विच कैन इवन प्रोवोक, मतलब इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन उस हद तक भी हो सकता है कि वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और हमारे केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन। आप सभी जानते हैं जो डिप्रेशन है वो मेंटल न्यूरल हमारी प्रॉब्लम है, और वो तब हो सकती है अगर हमको कंटिन्यूअस एक्सट्रीम स्ट्रेस मिल रहा है। तो स्ट्रेस हम लेकर पैदा नहीं हुए, स्ट्रेस हमको इन्वायरमेंट से मिल रहा है, तो इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन इतना भी हो सकता है कि वो ब्रेन पर प्रभाव डाले। तो द नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट सीक्स टू अंडरस्टैंड
हाउ अवर पर्सनैलिटीज एंड ट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अवर जेनेटिक मेकअप एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो नेचर नर्चर डिबेट ये जानना चाहती है कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारे गुण, हमारे जेनेटिक मेकअप और बायोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंट से प्रभावित होते हैं. मतलब जेनेटिक मेकअप एंड बायोलॉजिकल फैक्टर एंड हाउ दे आर शेप्ड बाय अवर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा जो हम लेकर आया और जो हमको वातावरण से मिला, या हम कह सकते हैं कि जो हमको माता पिता से मिला और जो हमको कल्चर से मिला, सोसाइटी से मिला, उसी का रोल जानना चाहती है. फॉर इंस्टेंस, व्हाई डू बायोलॉजिकल चिल्ड्रन समटाइम्स एक्ट लाइक देयर पेरेंट्स. मतलब इसका हम एक प्रश्न का जवाब ये चाह सकते हैं कि क्यों बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, मतलब हमारे मतलब माता पिता के बच्चे, माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं. सॉरी, इज इट बिकॉज ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटी और द रिजल्ट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड एनवायरमेंट एंड व्हाट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो मतलब कहने का है कि जो बच्चे हैं जो माता पिता की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्या इसलिए कि वो माता पिता के जीन्स लेकर आए हैं, या इसलिए कि जो उनको उनके अर्ली चाइल्डहुड में एनवायरमेंट मिला, या इसलिए कि वो जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखा. तो उसका जो क्रक्स निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि जो हम हैं वो इंटरैक्शन है जीन्स और एनवायरमेंट का, ना कि सिर्फ जीन्स है, ना कि सिर्फ एनवायरमेंट है ना. यानी कि मध्यम मार्ग पे हम पकड़ लेंगे. कह रहे हैं ये जो अभी पहले भी कहा गया था कि टुडे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट रियली टेक सच पोलराइज्ड पोजीशन, आइदर और, मतलब या जीन्स या एनवायरमेंट की बात नहीं करते हैं, जबकि इंटरैक्शन की बात करते हैं. ठीक है, कि दोनों का इंटरेक्शन है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट विल ऑफन यूज द बायोसाइकोसोशल मॉडल टू फ्रेम देयर रिसर्च. दिस मॉडल स्टेट्स, मतलब ये हम लोग किसकी शरण में चले जाएंगे, बायोसाइकोसोशल मॉडल की शरण में चले जाएंगे, जो कि कहता है कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, सोशल में भी सोशियो इकोनॉमिकल, सोशियो एनवायरमेंटल एंड कल्चरल, मतलब समाज भी नहीं, समाज में इकोनॉमिकल भी, समाज के संग वातावरण भी और हमारा कल्चर भी, सब जो है वो रोल प्ले करते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट में. वी ऑल आर बॉर्न विद स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स, जैसे आंखों का कलर, बाल का कलर, हाइट हमारी, कुछ हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट जो कि हमको जीन से मिलते हैं, जिनको कि जीनोटाइप कहेंगे. लेकिन कुछ हमारा इंटरेक्शन भी है जो कि जीन्स और एनवायरमेंट के बीच में है, जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हमको एनवायरमेंट प्रदान करता है. वेदर एंड हाउ पर्टिकुलर ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, कैसे वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा. एंड एट द सेम टाइम अवर जीन्स इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरेक्ट विद अवर एनवायरमेंट. और खाली इतनी बात नहीं है, जो हमारा जीन्स है वो ये बताता है कि कैसे हम अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करेंगे. तो हम इसको कैसे सम अप कर सकते हैं, निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि देयर इज ए रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर प्रभाव है बिटवीन नेचर एंड नर्चर एज दे बोथ शेप हु वी बिकम. मतलब दोनों का प्रभाव है, दोनों ही प्रभाव डालते हैं हम पे कि हम क्या बनेंगे. बट दी डिबेट कंटिन्यूज एज टू द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच, लेकिन ये जो डिबेट है वो चल रही है, चलती रहेगी. हो सकता है इसका कोई अंत निकले, हो सकता है ये और रिसर्चर्स के बाद पता चल पाए कि 40% और 60% है, कि 50-50% है, कि 20%-80% है. इतनी अभी रिसर्च कन्फाइंड और फाइन नहीं हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आइदर और की पोजीशन पे नहीं है, ध्रुवीय पोजीशन पे नहीं है, बल्कि ये एक इंटरेक्शन है जो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में होता है, या जीन्स और एनवायरमेंट के बीच में होता है. यानी कि नेचर और नर्चर डिबेट को हम इस तरह से खत्म करेंगे कि दोनों का ही प्रभाव है. जैसे कि अब ये जैसे मोनोजाइगोटिक और इसमें जाऊंगी तो ये बहुत बायोलॉजी हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा जो आर्ट्स के बच्चे हैं, पर ये जान लीजिए जैसे सिबलिंग ट्रेट्स का अगर हम कोरिलेशन निकाल दें, सिबलिंग ट्रेट का मतलब भाई बहन है ना, एक ही माता पिता की संतान, अगर उनके गुणों का कोरिलेशन निकालें तो ये देखिए, ट्रेट ए में लगभग बराबर है, ट्रेट बी में इतना कम अंतर है, ट्रेट सी में लगभग बराबर. मोनोजाइगोटिक ट्विंस, बायोलॉजिकल सिबलिंग्स, एडेप्टिव सिबलिंग्स, तो ये आप उतना नहीं समझ पाएंगे, आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से इतना ही जानिए कि लिखा हुआ है इसमें सब कुछ, यू कैन रीड बाय योर ओन. ठीक है, तो हम क्या मान के चले कि नेचर और नर्चर डिबेट का अंत यह है कि दोनों का ही प्रभाव है, हम किसी को कम ज्यादा नहीं कह सकते. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स ने भी अपनी पोलराइज पोजीशन छोड़ दी है, आइदर और की पोजीशन छोड़ दी है, और ये मान के चलते हैं कि जीन्स और एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और दोनों का प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद हम वो बनते हैं जो कि हम हैं. ठीक है, चलो
तो अब हो गया ना नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट डन।